हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज रोहिणी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क का यूज करके एगलेस होममेड चॉकलेट केक स्पॉन्ज। चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक बाउल में लेना है 200 ग्राम दूध। ये 200 ml के कप से एक कप दूध है। इसमें हमें ऐड करना है 1.5 TSP विनेगर। ये मैंने कुकिंग प्लेन विनेगर जो होता है वो यूज़ किया है। उसके बाद इसमें ऐड करना है 1.5 TSP वैनिला एसेंस। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए हमें इसे अब साइड में रखना है। अब हमें एक दूसरे बाउल में लेना है 45 ग्राम रूम टेम्परेचर वाला बटर। बटर हमें फ्रिज से निकाल कर तुरंत ठंडा नहीं यूज करना है। इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ 40 ग्राम ऑयल। ये मैंने रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है। इसके अंदर ऐड करना है 50 ग्राम पाउडर शुगर। अब इन सारी चीज़ों को हमें 2 से 3 मिनट तक हाई स्पीड पे अच्छे से फेंटना है। इन सबको मैंने अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फेंटा है। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है 240 ग्राम कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद फिर से हमें इसे 2 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। इस बैटर को मैंने अच्छे से 2 मिनट तक फेंटा है। अब इसके अंदर हमें हमने जो दूध में विनेगर और वैनिला एसेंस ऐड करके साइड में रखा था वो ऐड करना है। और इसे भी हमें हैंड विस्कर से अच्छे से इस बैटर में मिक्स करना है। अब इसके अंदर हमें ऐड करने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसे हम 2 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। तब तक हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के रेडी करेंगे। यहाँ पे ये मैंने लिया है 180 ग्राम मैदा। उसके बाद 1.5 TSP बेकिंग पाउडर, 1/2 TSP बेकिंग सोडा और 20 ग्राम कोको पाउडर। कोको पाउडर हमें कभी भी छुट्टा नहीं यूज़ करना है। हमेशा हमें अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर केक के लिए यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों को हमें अब अच्छे से छानना है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से छान के रेडी किया है। इन्हें अब थोड़ा सा ऐसे स्पैचुला से मिक्स करना है। अब इन सारी ड्राई चीज़ों को हमने छान के रखा था, उन्हें अब हमें जो हमने बैटर रेडी किया था उसके अंदर डालना है। और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इस बैटर को हमें एक ही सीक्वेंस में मिक्स करना है। इस बैटर को आप हैंड विस्कर से भी मिक्स कर सकते हो। कभी भी केक का बैटर बनाते समय हमें एक ही सीक्वेंस में हमें इसे मिक्स करना है। अब ये हमारा केक का बैटर रेडी है। अब हम इसे टिन में पोर करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने ये 8 इंच का टिन रेडी करके लिया है। इस बैटर से 1/2 kg का स्पॉन्ज रेडी होता है। आपको अगर 1/2 kg का स्पॉन्ज बनाना है आपको यही सारा मेजरमेंट आधा लेना होगा, तो उससे आपका 1/2 kg का स्पॉन्ज रेडी हो जाएगा। अब इस केक के बैटर को मैंने टिन में पोर कर दिया है। अब हमें इसे अच्छे से टैप करना है। अब इस केक को प्रीहीटेड OTG या माइक्रोवेव में 180 डिग्री पे 35-40 मिनट बेक करना है। बेकिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो। अब इस केक को मैं गैस पे बेक करने वाली हूँ। अब इस बर्तन को मैंने 10 मिनट प्रीहीट करके लिया है। इसके अंदर मैं अभी रेडी बैटर का टिन रख रही हूँ। ऊपर से ढक्कन लगाना है। अब इस केक को मैं 35-40 मिनट बेक करूंगी। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा था। अब 35 मिनट हो गए हैं। अब इस केक को मैं टूथपिक डाल के चेक करती हूँ। ये टूथपिक क्लीन आया है, मतलब ये केक हमारा परफेक्ट बेक हो गया है। अब इस केक को इस बर्तन से बाहर निकाल के मैं टिन में ही 10-15 मिनट के लिए ठंडा करती हूँ। बाद में मैं इसे डिमोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क का यूज़ करके बनाया हुआ ये एगलेस चॉकलेट केक स्पॉन्ज कितना मस्त बना है। आप ये केक स्पॉन्ज पक्का ट्राई कीजिए। नेक्स्ट सेशन में यही केक स्पॉन्ज का यूज़ करके मैं आपको हेजलनट फ्लेवर केक विद टाइगर प्रिंट बना के दिखाऊंगी। तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।